चलिए अब 22वें तीर्थंकर की स्तुति प्रारंभ करते हैं। राजी मतिं यह प्रविहाय मोक्षे, स्थितिं चकारा पुनरागमाये, सर्वेषु जीवेषु दयां दधानस, तन्ने मीनाथं प्रणमामि भक्त्या। राजी मतिं यः प्रविहाय मोक्षे, स्थितिं चकारा पुनरागमाय, सर्वेषु जीवेषु दयां दधानस, तन्ने मीनाथं प्रणमामि भक्त्या। राजी मतिं यः प्रविहाय मोक्षे, स्थितिं चकारा पुनरागमाय, सर्वेषु जीवेषु दयां दधानस, तन्ने मीनाथं प्रणमामि भक्त्या। राजी मतिम, राजुल का एक नाम राजी मति भी जो पुराणों में वर्णित आता है, तो ऐसी राजी मति राजमति को छोड़ करके जिन्होंने अपन राग माए यानि पुनः आगमन ना हो वो जगह मोक्षी है, उस मोक्ष के लिए मोक्षे स्थितिम यानि मोक्ष में स्थिति करने के लिए कि फिर जो है संसार में लौट करके ना आना पड़े, ऐसे निवास के लिए सर्वेषु जीवेषु दयां दधानस, जो सभी जीवों पर दया को धारण करते थे, ऐसे तम नेमिनाथम भक्त्या प्रणमामि, उनको मैं भक्ति से प्रणाम करता हूँ। तो जिन्होंने सभी जीवों पर दया को धारण किया था और पुनरागमन ना हो, पुनरागमन से रह जो मोक्ष के लिए राजीमति को छोड़ कर के जिन्होंने मोक्ष में स्थिति को चकार यानि मोक्ष में निवास को स्वीकार किया था, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं भक्ति से प्रणाम करता हूँ। जहाँ नेमिनाथ भगवान के वैराग्य का वर्णन इसमें है कि उन्होंने विवाह नहीं हुआ, विवाह के पहले ही उस कन्या से जिससे उनका विवाह निश्चित हुआ था, उस समय आप सभी लोग परिचित होंगे कि जहाँ तीर्थंकर अप्रतिम बल के धारी होते हैं, उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं, जहाँ बलों की तुलना की जाती है सब में कुछ संख्यात गुणा ही रहता है, लेकिन जब सर्वोच्च बलधारी जो इंद्र होता है उससे असंख्यात गुणा बल तीर्थंकर में होता है, तो उन तीर्थंकर से और कोई जीत नहीं सकता। और उस समय में जब पराजय का अनुभव होता है तो मन में सोचते हैं कि ये हमारा शासन कैसे जो है बना रहेगा जब इतने शक्तिशाली यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जहाँ देवर भाभियों की मजाक के बीच में उन्होंने अपने गीले वस्त्रों को निचोड़ने के लिए अपनी भाभी से कहा, जो नारायण की पटरानी है, वो उस समय में कि ऐसी जो है जुर्रत तो हमारे पति भी नहीं करते, आप कैसे ऐसा करते हो कहते हो, और हमारे जो स्वामी हैं वो नाग सैया पर जो है शंख को बजाने वाले हैं, उनकी वहाँ पर विशेषताएं बताती हैं। तो उस समय में नैमी कुमार
वही कार्य वहाँ पर पांचजन्य उनका जो शंख रहता है उसको भी नासिका के माध्यम से और उस नाग सैया पर चढ़ करके और उनका जो धनुष रहता है उसको भी चढ़ा करके और उसकी टंकार करते हैं, तो उसको सुन करके वहाँ पर वो तलवार निकाल लेते हैं कि कौन जो ऐसा शत्रु आ गया है। और बाद में सारी घटना समझ करके कि इनका अब विवाह के योग्य स्थिति हो गई है और उस विवाह के लिए उन्होंने उग्रसेन राजा से उनकी कन्या राजीमती राजुल का हाथ मांगा और उन्होंने बड़े हर्षित होकर के कि ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है और विवाह की तैयारियां होने लगी। और उस विवाह में कैसे इनको वैराग्य प्रकट किया जाए, तो वहाँ पर वन के मृगों को बहुत सारी संख्या में वहाँ पर बंदी बना करके बांधा गया था और दिखलाया गया तो उस समय में कि कितने निरीह पशु हैं जिनकी देह ही वित्त होती है और इतने भयभीत रहते हैं उनके कान। यदि आप देखो डिस्कवरी चैनल में लाइव नहीं देख यानी इसमें साक्षात नहीं देखो तो उनके कान जो है थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे वो करते रहते हैं, आवाज़ सुन कर के ही जो है भयभीत हो जाते हैं। अच्छा गुणभद्र महाराज ने कहा है कि इतने जिनका कि केवल देह ही बित्ते और कोई धन उनके पास में ही नहीं रहता और उनके दांतों में तृण लगा रहता है, किसी से कुछ लेते नहीं है, भयभीत रहते हैं, उनके लिए भी लोग जो है छोड़ते नहीं। जहाँ किसी के पैर में कांटा लगता है तो पैर में जूते पहन लेते हैं, लेकिन उन पशुओं के प्रति अस्त्रों का प्रयोग करते हुए अपने पैर में लगे हुए कांटों का स्मरण क्यों नहीं रहता। और उस समय वो उन पशुओं के प्रति दया के भाव से विचार करते हैं और उसी समय में वो पूर्व भवों को भी स्मरण करते हैं, जहाँ पर नेमिनाथ भव के नेमिनाथ स्वामी के कई भवों का वर्णन उत्तर पुराण में दिया है। एक भव में कि वो अपराजित नाम के राजकुमार थे और उस समय में उनके पिता ने तीर्थंकर के पास में दीक्षा ली थी। तीर्थंकर के साथ साथ में उनके पिता भी निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, लेकिन ये अपराजित नाम का जो राजकुमार था भी छोटा था और उसने बाल हट कर ली कि जब तक मैं तीर्थंकर के दर्शन नहीं करूँगा तब तक भोजन नहीं करूँगा, और 8 दिन उपवास से निकल गए। अब निर्वाण को प्राप्त हो गए तो उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं, तो उस समय में सौधर्म इंद्र की सभा में उन्होंने कहा कि देखो वो बालक वहाँ पर ऐसी हट करके बैठा हुआ है। तब यक्षपति आकर के समोषण को विक्रिया से दिखा करके उसकी उस हट को पूर्ण करते हैं, वो तीर्थंकर के दर्शन कर लेता है तब भोजन करता है। एक बार 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहाँ पर आते हैं, वो उनका पड़गहन करता है, आहार के लिनी आइए पधारिए उच्चासन ग्रहण करिए, और उस समय में कहता है कि आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई परिचय है। तो उस समय में वो कहते हैं कि पूर्व में अपन तीनों भाई थे, आप सबसे बड़े भाई थे, हम 2 छोटे भाई थे, और एक प्रीतिमती नाम की एक राजकुमारी जिसकी कि जो कोई उसको हरा देगा वो उससे विवाह करेगी, और उस समय में आपने उसको पराजित कर दिया और उस समय में वो आपसे विवाह करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन आपने कहा कि तुम हमारे भाइयों से विवाह करो, हमारे भाइयों के प्रति तुम्हारा उनसे जीतने का भाव था, और उस समय कहती है वो कि नहीं आपने मुझे जीता है, आप ही स्वीकार करो, और ये कहते कि नहीं मैं तो विवाह नहीं करूँगा। तो उस समय में वो कन्या कहती है कि मेरा तो प्रण है कि फिर मैं दीक्षा धारण करती हूँ। जब उसने वैराग्य को धारण कर लिया तो हम तीनों भाइयों ने भी फिर बाद में दीक्षा ले ली और तपस्या करके स्वर्ग से आने के बाद में हम दोनों जहाँ उत्पन्न हुए वहाँ पर हमने एक केवली के दर्शन किए और उनसे पूछा और उनके माध्यम से पता पड़ा कि आप यहाँ हो। हम लोगों ने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद में चरण रिद्धि प्राप्त की। अब आपकी केवल आयु 1 माह की शेष रह गई है, आप अपना आत्मकल्याण के लिए पुरुषार्थ करें। तो उस समय में उन्होंने अष्टानिका की पूजा करके और बाद में
संलेखना पूर्वक मरण करके 16वें स्वर्ग में जा कर के वो इंद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, और फिर वहाँ से आने के बाद में नेमिनाथ भगवान का पूर्वभव प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में अपन अभी 13 प्रश्नों में देखेंगे। तो ऐसे जो है नेमिनाथ भगवान के पूर्वभव में भी उन्होंने जिस प्रकार से कन्या का वरण नहीं किया था, उसको छोड़ दिया था, ऐसे ही इस भव में भी उन्होंने राजुल के साथ में जहाँ पर विवाह निश्चित हुआ था, बल्कि बारात निकल रही थी, फिर भी उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। आप लोग वैराग्य भावना में पढ़ते हैं, घर काराग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। इसमें ऐसा लगता है कि वनिता के लिए बेड़ी बोल दिया, लेकिन नहीं, एक दूसरे के लिए बेड़ी है। वनिता जो है पति के लिए, और जो स्त्री के लिए पति भी बेड़ी है। एक दूसरे का जो इस प्रकार का मोह का बंधन होता है उसके लिए लिखा है। तो ऐसे जो मुक्ति के प्राप्त करने वाले इच्छुक रहते हैं, वो सारे संबंधों को छोड़ कर के उस मुक्ति के पथ पर बढ़ते हैं। जब तक ये बंधन रहते हैं तब तक व्यक्ति मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो ऐसी जो है स्थिति होती, घर काराग्रह के समान है। घर काराग्रह जैसा प्रतीत जो भक्त होता है उसके लिए लगता है, बाकी सब लोगों को तो घर मंदिर जो है काराग्रह लगता है। मंदिर में जैसे ही जो है समय पूर्ण होता है, ऐसे छूट करके भागते हैं जैसे कि काराग्रह से छुट्टी मिल गई हो। घंटी बज जाए, जैसे स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे स्कूल से घर के लिए लालायित रहते हैं, ऐसे ही जो है घर से मंदिर से घर के लिए लालायित होते हैं। लेकिन घर से जो मंदिर के लिए लालायित होते हैं, कल बताया था कि वो सम्यक दृष्टि का प्रतीक होता है। एक कश्मीरी लाल जी थे दिल्ली के, वो शिव सागर जी महाराज के पास में दीक्षित होने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उनकी दीक्षा के लिए वहाँ पर जो है तैयारियाँ वगैरह ने इस प्रकार की तिथि निकल गई थी, और उसी बीच में उनकी पत्नी वहाँ पर पहुँच गई, और महाराज के सामने ही वो बड़े तेज आवाज़ में बोली कि चुपचाप घर चलते हो कि नहीं, और वो बिल्कुल चुपचाप जो है उनके साथ चले गए। फिर आए बाद में, उन्होंने कहा भैया दिल्ली की जो महिलाएं होती हैं वो तो बिल्कुल एकदम मर्दानी होती हैं, तुम उनसे जो है बच कर के दीक्षा कैसे लोगे। बहुत बार प्रयास करते रहे वो, और एक बार उन्होंने कहा कि महाराज वो तो दीक्षा लेने देगी नहीं, आप तो हमें दीक्षित कर दो, बाद में उसके भाव भी परिवर्तित हो जाएंगे। और फिर उनकी भावना देख करके उनकी दीक्षा हुई, बाद में पत्नी जो है पूरे समय में वहाँ पर उनकी सेवा में लगी रही। पहले जरूर वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी थी। तो ऐसी स्थिति यानी यहाँ पर वनिता बेड़ी के रूप में कहा जाता है, और साथ ही साथ में घर काराग्रह परिजन जन रखवारे, परिजन जन रखवारे, रखवाले के समान वहाँ पर पहरेदार के समान होते हैं। उस समय में एक सनत कुमार पंडित जी थे, विद्वान थे, लेकिन अपने पिता के लिए दीक्षा के लिए अनुमति नहीं देते थे, यानी घर में रह करके साधना करो, दीक्षा नहीं लेना। वो भी शिव सागर जी महाराज के पास में, उनकी भी खानिया जी में जयपुर में वहाँ पर जो दीक्षा के लिए निकल गया था, लेकिन वो जो है अपने पिता को वहाँ से लेकर के चले गए, और उनको पिता को वो ताले में रखते थे दीक्षा ना ले लें ऐसा करके। फिर बाद में उनके पिता ने कहा कि भैया तुम्हारा ऐसा मोह है तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा, लेकिन हमें महाराज जी के पास तो रहने दो। तो कहें यदि ये आप शपथ लेते हो कि आप दीक्षा नहीं लोगे तो उनके पास रहो, और उनके पास रहते थे। जब ब्यावर में एक दिन सुबह सुबह सामायिक करते करते और वो जो है उल्टे हो गए, लेट गए, तो लोगों ने सोचा हो सकता है गर्मी का समय है, रात में नींद नहीं आई हो तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट गए हों, और बाद में देखा तो उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। तो उस समय में सबके जितने भी साधक वहाँ पे थे सबके मुख से निकला कि वो पंडित जी अब रोक लेते, दीक्षा से तो उन्होंने रोक लिया लेकिन मरने से रोक लेते, तब जानते कि उनका सही मोह का संबंध था। तो ऐसी स्थिति होती है, तो जिसमें घर काराग्रह बनिता बेड़ी परिजन जन रखबारे, जब ऐसी भावना आती है
तभी जो है व्यक्ति उस संसार से ऊपर उठने का प्रयास कर पाता है। एक बार एक लड़का जो है हमारी बह्यवृत्ति करने के लिए शादीशुदा था, आया। अब उसी बीच में जो है बार बार उसके जो है मैसेज आ रहे थे, लगातार जो है 30-35 मैसेज बार 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 आए। तो मैंने पूछा, क्या है बार बार क्या कर रहे हो? तो कहने लगा कि महाराज जी, ये घर की स्थिति है, अभी अभी मैं शाम को पत्नी को घुमा करके लेकर के आया हूँ, लेकिन फिर भी जो देखो बार बार जो है घर चलो घर आओ लौट करके ऐसी स्थिति है। एक जो डाकू लोगों के लिए खुला जेल होता है, सुना कि नहीं सुना आपने? एक खुली जेल होती है जहाँ पर दिन भर आप जो है बाहर रह सकते हो, लेकिन शाम को आपको जेल में वापस लौटना पड़ता है। तो उसके फोन को देख करके हमें ऐसा लग रहा था कि खुली जेल में से तुम अब जो है घर में से जो है बुलावा आ रहा है कि लौट करके आओ। नहीं, वास्तव में क्या है, आप दिन भर कहीं पे रहो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को आपको उस जेल में पहुंचना जरूरी है। क्योंकि महाराज जी कैसी कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में जो संसार के स्वरूप को जो जानता है उसके लिए घर जो है कारागृह जैसा प्रतीत होता है, होना चाहिए। और भगवान की वाणी को सुनकर के भी यदि अपने को प्रतीत नहीं होता है तो मतलब वही अपन ने भगवान की वाणी का सही तरह से अपने हृदय में पालन धारण नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति होती है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ करके दीक्षा धारण की। और दूसरा विशेषण दिया है कि सब जीवों के प्रति दया को धारण करने वाले थे। जीवों के प्रति दया को धारण करने के कारण में सभी जीवों को यहाँ पर भावना होती है सबके कल्याण की, तभी जो है तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक बार एक जगह पर पता पड़ा कि कसाई लोग बहुत सारे जानवरों को बांध करके लेकर के निकल रहे हैं, और उस समय में कोई उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक 85 साल का योद्धा सिंह नाम था उसका, और उसने कहा कि मैं तो जा करके उनकी रक्षा करूंगा। 85 साल का वृद्ध व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के पहुंच गया। पहले तो उसने उनसे कहा कि भाई इनको ले मत जाओ, इनके पैसे ले लो और सबको जो है हमारे गांव में छोड़ जाओ। लेकिन वो तो कसाई लोग थे, कहाँ ऐसी बातों में मानने वाले थे। और जब वो नहीं माने तो योद्धा सिंह ने डंडा उठा करके कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जब तक जीवित हूँ यहाँ से इनको ले जाने नहीं दूंगा। और वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। वो वृद्ध व्यक्ति उनसे लड़ने लगा, 2-3 तो जो है उसमें उसकी साहस को देख करके भाग गए और कुछ लड़ने लगे। कुछ के बाहर उसके शरीर पर भी पड़े और उसने भी दूसरों को मारा। और उसकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके, साहस को देख करके गांव में खबर पहुंची, तो गांव के लोग भी वहां पर पहुंचे। और उस समय में उनको आता देख करके एकाध जो लड़ रहे थे वो भी वहां से भाग गए, घायल हो गए, और सारी की सारी गायों को सुरक्षित जो है वो अपने गांव की ओर लाने लगे। घायल अवस्था में सिर से खून बह रहा है, और उसके साथ साथ में जो है सब लोग गांव की सीमा पर पहुंचे। और सीमा पर पहुंचते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन उसने अपना नाम अमर जैसा कर लिया कि अकेले जा कर के उसने ऐसे लोगों से जीवों की रक्षा के लिए पुरुषार्थ किया। तो यहाँ जहाँ वर्णन चल रहा है कि भगवान ने दो विशेषणों से यहाँ पर उनकी स्तुति की गई है कि जिन्होंने राजीमती को छोड़ करके और साथ साथ में सभी जीवों के ऊपर दया को धारण करने वाले थे। जिससे विवाह नहीं हुआ उसको छोड़ दिया, कई कई बार तो विवाह के बाद में भी छोड़ देते हैं। छोड़ देते क्या, इस प्रकार का वैराग्य की स्थिति रहती है। पुष्पडाल की कथानक में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जहाँ बारिशेण मुनिराज आहार करने के लिए अपने मित्र के घर गए, और मित्र ने आहार दान देने के बाद में, अभी अभी विवाह हुआ था, पत्नी से कहा कि महाराज को मैं छोड़ कर के आता हूँ, कमंडल हाथ में ले लिया और महाराज के साथ में जा रहा है। अब वो सोचता है कि महाराज अब कहेंगे कि अब लाओ कमंडल, हम जाते हैं, तुम अपने घर जाओ, लेकिन महाराज बोल ही नहीं रहे।
वो महाराज को दिखाता है कि महाराज यहाँ पर अपन लोग खेलने आते थे, मतलब बहुत दूर आ गए, अब तो वापस जाने दो। लेकिन महाराज कुछ नहीं बोलते। फिर कहता है, महाराज जी यहाँ पर अपन अमरूद खाने आते थे, बेर खाने आते थे, यानी और जंगल आ गया है, फिर भी नहीं बोलते। फिर आगे कि महाराज यहाँ पर तो वो जलाशय आ गया है जहाँ पर अपन नहाने आते थे, तैरने आते थे, लेकिन नहीं, करते करते जो है महाराज उसको जहाँ पर उनके गुरु रुके हुए थे वहीं तक ले गए, और गुरु के पास में ले जा करके कि हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत धार्मिक है, ऐसा कहा तो उनके गुरु ने उपदेश दिया। तो उस समय में उसके भाव वैराग्य के ऐसे बढ़ गए कि उसने दीक्षा धारण कर ली। अभी अभी विवाह हुआ है और दीक्षा धारण कर ली। 12 बरस तक साथ साथ में रखा, लेकिन मन में जो है उसकी स्मृति उसको बनी रहती थी। और एक बार भगवान महावीर के समोशरण में जहाँ प्रशंसा की कि भगवान आप जब बिहार कर जाते हो जिस जगह से, वहाँ के सब लोग बिल्कुल कुमला जाते हैं, धरती जो है मैली कुचैली हो जाती है, ये मैली कुचैली शब्द जो हैं प्राकृत शब्द हैं, तो ऐसे जो है शब्दों में वहाँ पर उनकी स्तुति की जा रही थी। तो उस समय में उन शब्दों को सुन करके वहाँ पर जैसे कोई स्त्री के लिए पति छोड़ जाए वैसी स्थिति हो जाती है, तो उस समय में उनका जो है अपनी पत्नी के प्रति जो भाव था वो बहुत ही राग का बढ़ गया। और उस दिन जब आहार के लिए निकलना था तो आज गुरु का भी उपवास था और बारिषण मुनिराज का भी उपवास था, आज अकेले आहार करने जाना था। और जब आहार करने निकले तो उनकी चाल देख करके बारिषण मुनि समझ गए कि आज तो ये अपने घर की ओर ही कदम जा रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु से पूछ करके कि इनकी जो है स्थिति करण के लिए गुरु ने कह दिया कि हाँ जाओ, और उनको साथ में लेकर के वो अपने महल में जाते हैं। वो प्रसंग आप सब लोगों के लिए मालूम होगा कि जहाँ चेलना घबराती है लेकिन वो प्रासुक स्थान पर बैठते हैं, उस पर नहीं, यानी जो बीतराग स्थान है, बीतराग आसन पर बैठते हैं, लकड़ी के आसन पर जो सोने चांदी के आसन को ठुकरा देते हैं, तो उस समय में उनको मन में समझ में आ जाता है कि इनके मन में अभी वैराग्य दृढ़ ही है, कोई राग की स्थिति नहीं है। और उस समय पूछते हैं क्या सेवा की जाए, तो वो कहते हैं कि सारे जो रानियों का कुनवा है उनको सजा करके पेश किया जाए। और उस समय में वो बोलते हैं वारिषण से कि हमने इनको छोड़ करके और वैराग्य का, अपने आत्मा के आनंद का पान किया है, और तुमने अपनी पत्नी को छोड़ करके भी उस आत्मा के आनंद का पान नहीं किया, यदि तुम्हें स्वीकार करना है तो इनको स्वीकार कर सकते हो। और उस समय में वो उनकी बात को सुन करके उनके प्रति उनमें ऐसे मन में भाव आ जाते हैं कि ये सही वैराग्य तो इनका है, ऐसा ही वैराग्य मैं भी धारण करूं, ऐसा वो भाव रख करके और वहाँ से चले जाते हैं अपने गुरु से प्रायश्चित लेकर के, और पुनः अपने आत्मा के पान में वो लीन हो जाते हैं। तो यहाँ जो राग की भावना रहती है उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जिन्होंने राजीमती को छोड़ करके और सभी जीवों पर जो दया को धारण करने वाले थे, उस मोक्ष में स्थिति का जिन्होंने प्राप्त करने के लिए इस पुरुषार्थ को किया था, दीक्षा को धारण किया था, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं भक्ति से प्रणाम करता हूँ। पुनः इस काव्य का पाठ करेंगे। राजी मतिन्यह प्रविहाय मोक्षे, स्थितिं चकारा पुनरागमाय, सर्वेषु जीवेषु दयां दधानस्, तन्नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। ते स्तोत्रये निराला सब दुख को हरने वाला, चौबीस जिनका स्तन
जिन राज गुण की माला ते स्तोत्र ये निराला राजुल से मुख को मोड़ा बंधन पशु का तोड़ा मुक्ति वधु को पाने तन से भी नेह छोड़ा बलदाऊ श्याम पूजित जिनने मिनत पुकारा चौबीस जिनका स्तन जिन राज गुण की माला स्तोत्र ये निराला नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा क्या है मात पिता का नाम नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर क्यों थामी वैराग्य लगाम कौन है दाता प्रथम पारणा कितना है छदमस्त का काल मुख्य गणियत कितने गणधर कहाँ मिली निर्वाण की मार 22वें तीर्थंकर कौन से स्वर्ग से आए थे जयंतनोत्तर से आए थे और पूर्वों में उनका नाम सुप्रतिष्ठ उनका पूर्वों में नाम था और वैराग्य का कारण जाति स्मरण अभी बताया था नेमिनाथ भगवान के जाति स्मरण क्यों बोल रहे हैं पशुओं का बंधन हाँ फिर पिता का नाम समुद्र विजय माता का नाम शिवा देवी और इनका चिन्ह क्या है शंख इनका चिन्ह है कौन सी नगरी में जन्म लिया हाँ दो मत मिलते हैं एक शौरीपुर बटेश्वर और एक द्वारा द्वारिका द्वारावती आचार्य गुणभद्र महाराज ने जो है द्वारिका लिखा है क्योंकि तीर्थंकरों को जन्म के बाद में अपने स्थान को छोड़ना पड़े ये जो है उनके लिए ठीक नहीं लगता उन्होंने जन्म उनका जो है द्वारिका में ही बताया यादव लोग सारे इस क्षेत्र को छोड़ करके गुजरात की तरफ गए थे तो उस समय में उनके जन्म के बाद में उनको भी जाना पड़ा ऐसा जो है सूर्यपुर में जन्म के बाद में माना पड़ेगा तो और दूसरे में उन्होंने द्वारिका में ही जन्म बताया हुआ तो एक जगह होगा लेकिन अपने पास में भी निर्णय करने का कोई भी साधन नहीं है इसलिए अपन दोनों के मतों को स्वीकार करके चलते हैं आचार्य जी कहते हैं अच्छा ऐसे प्रश्न होना चाहिए क्यों क्योंकि यदि अपने को कोई ऐसे दिव्य ज्ञानी मिल जाए तो अपन उनसे क्या पूछेंगे ऐसे प्रश्न अपने मन में रहेंगे तो अपन पूछ सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों को अपने सवार करके अपने मन में रखना चाहिए तो उनका जन्म के जो है दो स्थान हैं फिर प्रथम पारणा किसके यहाँ हुई वरदत्त यही जो है उनके मुख्य गणधर भी बने तो वरदत्त के यहाँ पे उनकी पारणा हुई और कितने दिन में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया मात्र 56 दिन में यानी 6 दिन के बाद में ऊपर देखेंगे दो नंबर पर तो नेमिनाथ भगवान आते हैं और इनके कितने गणधर थे 11 गणधर थे और कहाँ से मुक्ति को प्राप्त किया उर्जयंत शिखर से उर्जयंत उसका प्राचीन नाम है गिरनार तो बाद में नाम प्रारंभ हुआ उसका वहां से उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया जयंतनोत्तर सुप्रतिष्ठ मुनि विजय समुद्र शिवा माता शंख चिन्ह द्वारावती नेमी पशु क्रंदन मुनि पद लाता नपवर दत्त को मिली पारणा
56 दिन के बाद जिनेश वर दत्ता दि 11 गणधर ऊर्जयंत गिर मुक्ति प्रवेश। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार,